हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए आंवले की बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम आंवले की कैंडी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आंवले को अच्छे से धोया है और फिर उसे एक छलनी के ऊपर अच्छे से जमा दिया। ये देखिए, मैंने पानी रखा था बॉयल होने के लिए, उसमें एक स्टैंड रख दिया था। अब ये छलनी को इसके ऊपर रख देंगे हम और ढक देंगे इसे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में बहुत अच्छे से पक जाता है और ये इसकी कलियाँ भी अलग हो जाती है, ये देखिए। तो चलो इसे अभी हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसके हम बीज अलग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसके बीज अलग करूँगी मैं। चाकू की हेल्प से कर रही थी मैं, हाथ से भी आसानी से हो जाता है। और फिर इसमें मैंने एक कटोरी चीनी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको ढक्कन लगा के हम इसे 12 से 15 घंटे के लिए रख देंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसकी का जो भी चाशनी है इसे हम निकाल देंगे अलग और एक कटोरी शक्कर और डाल देंगे। ये देखिए, अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। और जो मैंने चीनी बचा के रखी थी वो भी अभी डाल दूंगी मैं पूरा। और इसे अच्छे से मिक्स करके वापस से इसे रख देंगे हम 14-15 घंटे के लिए। और बीच में एक बार मैंने इसे चलाया भी था, ये देखिए, इस तरह से चला के रख दिया था क्योंकि चीनी नीचे बैठ जा रही थी। तो एक बार चेक करा था मैंने, फिर इसे चला के रख दिया था। तो ये देखिए, 14-15 घंटे पूरे हो गए हैं। अब इसकी चाशनी अलग करके हम इसे एक प्लेट में अच्छे से जमा लेंगे। इसे प्लेट में नहीं तो आप पन्नी के ऊपर भी इसे अच्छे से बिछा कर धूप दिखा सकते हैं। इसे 6 से 7 घंटे की धूप दिखाई थी मैंने, ये देखिए, इस तरह से धूप में रख दिया था और ये शाम तक अच्छे से सूख गया था। अगर आप चाहे तो छाँव में भी इसे सुखा सकते हैं। छाँव में इसे 2 दिन लग जाएंगे करीबन सूखने में। फिर इसे हम, अब देखिए, मैंने इसे निकाल लिया है एक प्लेट में। उसके बाद अब मैं चीनी को पीसकर इसके ऊपर कोटिंग करूँगी चीनी की। देखिए, इस तरह से पीस लिया था मैंने चीनी को और फिर इसे इसके ऊपर छान दिया था छलनी से। और फिर मैंने इसे एक कंटेनर में भरकर रख दिया था। और जो चाशनी हमने निकाल के रखी थी उसकी मैंने कैंडी बनाई थी, उसका भी वीडियो जल्दी आ जाएगा। उसे भी वेस्ट नहीं करा था मैंने, ये देखिए, क्योंकि आंवले का बहुत सारा जूस तो चाशनी में निकल ही आया था। तो उसे भी वेस्ट ना ही करेंगे हम, उसकी भी कैंडी बनाएंगे। बहुत टेस्टी बना था, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलो, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।